मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा कल हमारा लेसन कंप्लीट हुआ था अपूर्व अनुभव। तो आपको इसकी बैक एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, तो अब हम बैक एक्सरसाइज करते हैं डिस्कस, और उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी डिस्कस करते हैं। तो आपने बैक एक्सरसाइज भी और वर्ड मीनिंग भी ध्यान से सुनने हैं। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे कोई भी वर्ड मीनिंग वर्ड का मीनिंग सुन सकती हूँ, कोई भी क्वेश्चन सुन सकती हूँ। तो आप ध्यान से सुनेंगे और जो पूछा जाएगा उसका आंसर देंगे। तो देखिए वर्ड मीनिंग, सभागार वह घर या स्थान जिसमें सभा होती है या बैठक होती, मीटिंग होती है। जहाँ वह घर या स्थान, कोई सा भी ऐसा स्थान हो या घर हो या ग्राउंड हो, कुछ भी लगा लो, जहां पर बैठक होती है उसको सभागार बोला जाता है। फिर है शिविर, शिविर शिविर का अर्थ है तंबू आदि लगाकर बनाया गया अस्थाई निवास। क्या होता है शिविर? तंबू आदि लगाकर बनाया गया अस्थाई, मतलब स्थाई न होकर, उसको कभी भी हटा सकते हैं तंबू को। जो हमने शिविर लगाया है, जो अपने अपना घर बनाया है टेम्परेली, उसको किसी भी समय हटा भी सकते हैं, वो अस्थाई निवास होता है। पड़ाव भी उसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद है भेद, भेद का अर्थ होता है रहस्य, किसी को किसी का भेद देना, रहस्य देना या राज खोलना, इसको हम बोलते हैं भेद। फिर है नोता, नोता का अर्थ है किसी को बुलाना, बुलावा देना या आमंत्रण, आमंत्रण भी बोल सकते हैं हम, बुलावा भी बोल सकते हैं। हरेक, हरेक का अर्थ है हर एक या प्रत्येक, हरेक का अर्थ है हर एक या प्रत्येक। द्विशाखा, द्विशाखा का अर्थ है पेड़ के तने का वह भाग जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती हैं। ये पाठ पढ़ाते हुए भी आपको कई बार मैंने द्विशाखा का अर्थ बताया था कि पेड़ का तना जहां तक जा रहा है, उसके बाद जहां पेड़ के अलग अलग टहने निकलने शुरू हो जाते हैं, दो टहने निकल रहे हैं, तो उसको द्विशाखा बोलते हैं। आरामदेह, आराम देने वाला स्थान, आराम देने वाला स्थान, उसको बोलते हैं आरामदेह। अक्सर, अक्सर का अर्थ है अधिकतर, कोई भी बात हम करते हैं तो उसमें बोल देते हैं अक्सर, ये बात ऐसे है वैसे है, तो उसका अर्थ होता है अधिकतर, या बहुधा का अर्थ भी होता है कई बार। उसके बाद है निजी, निजी होता है स्वयं की या खुद की, निजी का अर्थ है स्वयं की या खुद की। संपत्ति, धन दौलत, पैसा, धन दौलत, जमीन, ये सब कुछ संपत्ति में आता है। क्या क्या आता है? धन दौलत पैसा जमीन जायदाद जो भी है वो संपत्ति के अंदर गिने जाते हैं। शिष्टता, भद्रता या अच्छा व्यवहार, सभ्यता, सभ्य आचरण, ये सभी कुछ शिष्टता के अंदर आएंगे। क्या क्या? भद्रता, अच्छा व्यवहार और सभ्यता या सभ्य आचरण, ये शिष्टता के अंदर आते हैं। पोलियो, पोलियो क्या होता है? विषाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग जिसमें मांसपेशियां ढीली होने से विशेष रूप से पैर पतले और छोटे रह जाते हैं। विषाणु से होता है कोई रोग, बीमारी होती है, संक्रामक रोग होता है, जिसमें क्या होता है मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और पैर पतले हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, यानी वो मजबूत या हेल्दी नहीं बन पाते हैं, सूख जाते हैं, पैर सूख जाते हैं, पतले रह जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, ये पोलियो की निशानी है। आमंत्रित, बुलाया हुआ, जिसे आने का न्योता दिया गया हो, आमंत्रित का अर्थ है बुलाया हुआ या जिसे आने का न्योता दिया गया हो। चूंकि, इसलिए या कारण यह है कि, चूंकि का अर्थ है इसलिए कि या कारण यह है कि,
चूंकि हम बात करते हो बोल देते ना चूंकि ये ऐसे है चूंकि वैसे, तो इसका अर्थ यही है इसलिए कि, या कारण यह है कि उत्तेजित आवेश में आया हुआ या प्रेरित किसी कार्य के लिए जोश चढ़ा हुआ, प्रेरित हुआ उस कार्य को करने के लिए या आवेश में आया हुआ। आवेश भी जोश होता है एक तरह से, भाई मेरे को ये काम जल्दी करना है, उसको बोलते हैं उत्तेजित। अब उसके बाद है आपके क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है यासु की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, बताइए। यासु की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चान ने अधिक परिश्रम क्यों किया, अथक मतलब बहुत अधिक परिश्रम क्यों किया वो बताइए। तो आंसर है जापान के शहर तोमोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था, चूंकि यासु की चान को पोलियो था इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्या है, जापान के शहर में, कौन सा शहर है, तोमोए, तोमोए में हर एक बच्चा अपना एक पेड़ बनाए हुए था, एक निजी पेड़ था हर एक बच्चे का, और जो ये यासु की चान था वह पोलियो से ग्रस्त था इसलिए न तो वह पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही उसने किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति माना था। जब पेड़ पर ही नहीं चढ़ पाता था तो वह किस पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता। तो चान जानती थी कि यासु की चान आम बालक की तरह पेड़ पर चढ़ने की इच्छा रखता है, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तो चान ने यासु की चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का अथक प्रयास किया। तो चान यासु की चान के बारे में ये जानती थी कि जैसे हम आम बच्चे हैं, हमारा भी मन करता है पेड़ पर चढ़ने के लिए, हम चढ़ते हैं, तो इसी तरह यासु की चान का भी मन पेड़ पर चढ़ने के लिए करता होगा और उसकी इच्छा को पूरा करूंगी मैं, यह सोचकर तो चान ने यासु की चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया था। यासु की चान और तोतो चान एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना और गहरे मित्र थे, और जो यासु की चान था पोलियोग्रस्त होने के कारण चल फिर नहीं सकता था, विकलांगता के कारण पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता था, और बच्चों को ही पेड़ पर चढ़ते हुए देख करके वह थोड़ा सा मायूस होता था कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, या काश मैं भी पेड़ पर चढ़ूं जैसे ये बच्चे चढ़ रहे हैं। तो उसकी इसी इच्छा को समझ करके तोतो चान ने उसकी इसी इच्छा को समझ करके उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासु की चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अनुभव, अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे। क्वेश्चन देखिए दोबारा, दृढ़ निश्चय किया तोतो चान ने और अथक प्रयास किया और उसके बाद सफलता मिली। पहले तो निश्चय किया मैंने ये कार्य करना है, उसके बाद प्रयत्न किया फिर उनको सफलता मिल गई। तोतो चान और यासु के चान को अपूर्व अनुभव मिला, भाई ऐसे करेंगे तो ये मतलब इस तरह से काम हो सकता है, अपूर्व अनोखा अनुभव मिला उनको। तो इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग से थे, तोतो चान के अनुभव और यासु की चान के, तो वो किस प्रकार से अलग थे, उनमें अंतर बताइए। तो आंसर देखिए, तोतो चान रोज अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, तोतो चान लड़की थी ना, अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, परंतु इस बार अथक परिश्रम से पोलियोग्रस्त अपने मित्र यासु की चान को पेड़ की दुई शाखा तक पहुंचाने से उसे आज खुशी के साथ आत्मसंतुष्टि भी मिली थी, जो उसके लिए अपूर्व अनुभव था, बहुत अनोखा अनुभव था। तोतो चान हर रोज अपने पेड़ पर चढ़ती थी, उसने बहुत परिश्रम करके पोलियोग्रस्त अपने मित्र यासु की चान को पेड़ पर चढ़ा, पेड़ की शाखा तक उसको पहुंचाया और उसके बाद उसको बहुत अधिक खुशी मिली, खुशी के साथ उसको आत्मसंतुष्टि भी मिली। तो वह जो आत्मसंतुष्टि मिली तोतो चान को,
तो वह उसके लिए एक अपूर्व अनुभव था, अनोखा अनुभव था। वही दूसरी तरफ जो यासुकी चान था, उसको पहली बार पेड़ पर चढ़ाया गया था। वह पहली बार पेड़ पर चढ़ा था जिसके कारण कि उसके मन की इच्छा पूरी हुई। जैसे और बच्चों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखता था तो उसके मन में भी इच्छा होती थी कि वह भी पेड़ पर चढ़े। तो वह जैसे ही पेड़ पर चढ़ गया तो उसके भी यह मन की इच्छा ऐसे हो गया, पूरी हो गई, और इसलिए वह उसके लिए अनोखा अनुभव था। दोबारा से थोड़ा सा और देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करके बोल रही हूँ। तो चांद को इस कार्य से आत्म संतुष्टि और खुशी किस कारण मिली? कि उसने जोखिम भरा कार्य करके अपने मित्र की इच्छा को पूरा कर दिया। ठीक है, उसको आत्म संतुष्टि किस कारण मिली और खुशी किस कारण मिली? कि जो उसका मित्र है, विकलांग मित्र है, उसको जोखिम उठा करके पेड़ पर चढ़ा करके अपने मित्र की इच्छा को पूरा कर दिया। और यासुकी चान पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था, पेड़ पर तो कैसे चढ़ता, वह ठीक से चल भी नहीं पाता था, तो पेड़ पर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। और तोतो चांद ने उसकी इस इच्छा को पूरा कर दिया जिससे उसे बहुत अधिक खुशी मिली। ऐसी खुशी उसे पेड़ पर चढ़ने के बारे में पहले कभी नहीं मिली। उसे ऐसी खुशी जैसे पेड़ पर चढ़ने के बाद मिली, ऐसी खुशी उसे कभी भी नहीं मिली। उसके लिए यह अपूर्व अनुभव था। आगे होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों इन्हें से तरबतर हो रहे थे। कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा था? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता था? पाठ में से खोज कर ये बताइए कि ये आपको पाठ पढ़ाते हुए बताया गया था कि सूरज निकला हुआ था और बादल का एक टुकड़ा सूरज के सामने आ करके उन दोनों के ऊपर छाया कर रहा था। वे दोनों जो अथक परिश्रम कर रहे थे पेड़ पर चढ़ने के लिए, उसमें पसीने से तरबतर हो रहे थे, तो वह एक बादल का जो टुकड़ा था वह उन्हें कड़कती धूप से बचाने में उनकी सहायता कर रहा था। तो आपके अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है कि यह किस प्रकार से हुआ? तो देखिए, जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाही सीढ़ी के द्वारा पेड़ की दुई शाखा तक पहुंच रहे थे, पहले तो सिंपल सीढ़ी लेकर आई तोतो चान, लेकिन उससे काम नहीं चला तो वह तिपाही सीढ़ी लेकर आई और वह तिपाही सीढ़ी दुई शाखा तक पहुंच गई। जब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था तो दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। एक तो सूरज की रोशनी उनके ऊपर गिर रही थी और दूसरा क्या था, दूसरा मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो उस कोशिश के कारण भी जो मेहनत करता, परिश्रम करता, कार्य करता है, तो उसके बाद भी व्यक्ति को पसीना आता है। तब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, जो दुई शाखा तक जो तिपाही सीढ़ी लगाई गई थी, तिपाही सीढ़ी से दुई शाखा पर लाने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को खींचा था, तो वहां भी वह जोर लगा रही थी, तो उनको पसीने आ रहे थे। तब क्या था, एक बादल का टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने में लगा हुआ था, उन पर दया कर रहा था। तो इसमें अपने विचार लिखने हैं, तो इसमें बताया गया कि मेरे अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण उन दो मित्रों को सहयोग, उनके भले काम में सहयोग देना था। जो परिस्थिति का बदलना था, बादल के टुकड़े का आना था, जो दो मित्र कार्य कर रहे थे उनमें सहयोग कर रहा था बादल का टुकड़ा, क्योंकि भले काम में सहयोग देना अच्छी बात है, भले काम में सहयोग देना अच्छी बात है, तो बादल ने भी उनके ऊपर दया दृष्टि डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यासुकी चान को लिए पेड़ पर चढ़ने का यह
अंतिम मौका था, इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिख कर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासु की चांद को लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि यासु की चांद पोलियो से ग्रस्त था, इसलिए स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था और तोतो चांद सबसे झूठ बोलकर इतनी मेहनत हमेशा नहीं कर सकते थे। यासु की चांद को लेकर पेड़ पर चढ़ने की इच्छा, चढ़ने का जो यह पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि वह विकलांग था, चढ़ नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था, तो उसके लिए तो यह ऐसा लग रहा था वह पहली बार और अंतिम बार ही इस पेड़ पर चढ़ा है। वह पोलियोग्रस्त था तो इस कारण उसके दिमाग में ये बात आई थी और इसलिए पेड़ पर चढ़ने में जो असमर्थ महसूस कर रहा था, तो चांद सबसे झूठ बोलकर इतनी मेहनत हमेशा नहीं कर सकती थी। दोनों घर में झूठ बोलकर आए थे, यासु की चांद भी और तोतो चांद भी, और तोतो चांद ने बहुत अधिक मेहनत की थी और इतनी मेहनत वह हर बार नहीं कर सकती थी और घर वाले भी इस बात की इजाजत नहीं दे सकते थे। थोड़ा सा और ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। यासु की चांद एक विकलांग बच्चा था, ठीक से चल भी नहीं पाता था। यासु की चांद का यह पहला मौका था कि वह पेड़ पर चढ़ पाया हो। पेड़ पर चढ़ने का अवसर उसे किसकी वजह से मिला? तोतो चांद की वजह से मिला। तोतो चांद ने यासु की चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया और माता पिता को बिना बताए किया। यदि किसी को पहले बता दिया होता तो शायद कोई भी व्यक्ति उन्हें ऐसा यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देता। तोतो चांद ने शायद अब यह जोखिम भरा कार्य कर लिया है, लेकिन वह इसके बाद दोबारा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यासु की चांद का यह अंतिम मौका था। क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार मैं फिर सारे रिपीट करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे सुनूंगी। देखिए मीनिंग भी दोबारा से बोल देती हूँ। सभागार वह घर या स्थान जिसमें सभा होती है, बैठक होती है, मीटिंग होती है। शिविर तंबू आदि लगाकर बनाया गया अस्थायी निवास, यानी उसको हम किसी भी समय उठा सकते हैं, कहीं और जाकर लगा सकते हैं। पड़ाव जैसे हमारे फौजी लगाते हैं, तंबू कहीं भी लगाकर उनके अंदर रहते हैं, सर्दी गर्मी वर्षा से हम अपनी रक्षा करते हैं, उसको शिविर बोलते हैं। भेद रहस्य या राज, न्योता बुलावा या आमंत्रण, हर एक या प्रत्येक। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग जो जहां से दो मोटी मोटी शाखाएं या डालियां एक साथ निकलती हैं, शाखाएं भी बोल सकते हैं हम। आराम देने वाला स्थान, अक्सर बहुधा या अधिकतर। निजी खुद की या स्वयं की, संपत्ति धन दौलत, पैसा, जमीन जायदाद, शिष्टता भद्रता अच्छा व्यवहार, सभ्यता सभ्य आचरण। पोलियो विषाणु से होने वाला एक संक्रामक रोग जिसमें मांसपेशियां ढीली होने से विशेष रूप से पैर पतले और छोटे रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। आमंत्रित बुलावा या जिसे आने के लिए न्योता दिया गया हो, चूंकि इसलिए कि या कारण यह है कि कोई बात हम कर रहे हैं उसके बीच में, हम वाक्य के बीच में ऐसे बोलते हैं। उत्तेजित आवेश में आया हुआ या प्रेरित, जोश में आया हुआ या आवेश में आया हुआ। क्वेश्चन देखिए फिर। यासु की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया, ये बताइए। जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ होता था और यासु की चांद पोलियो ग्रस्त था, तो इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और इसीलिए वह किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं बना पाया था। और तोतो चांद इस बात को जानती थी कि यासु की चांद भी आम बच्चे की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता है, उसलिए उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चांद ने यासु की चांद को पेड़ पर चढ़ने के लिए अथक प्रयास किया था। जो यासु की चांद बच्चों को देख करके
मन मायूस करके रखता था कि मैं भी पेड़ पर चढ़ूं, ऐसी उसकी इच्छा थी। तो उसकी इस इच्छा को जान करके तो चाने उसके लिए यह कदम, कठोर कदम उठाया था और उसकी इस इच्छा को पूरा किया था। आगे सेकंड क्वेश्चन, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुके चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, तो दोनों में क्या अंतर था? तोतो चान जो थे अपने पेड़ पर, अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, परंतु इस बार हर रोज चढ़ती थी वह अपने निजी पेड़ पर, लेकिन इस बार बहुत परिश्रम करके पोलियोग्रस्त अपने मित्र को, कौन था मित्र? यासुके चान, उसको पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे जो खुशी मिली और आत्म संतुष्टि मिली, अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने का मौका मिला, तो उससे उसे जो खुशी मिली तो वह उसके लिए क्या था? अपूर्व अनुभव था। और दूसरी तरफ यासुके चान था जो, वो एक विकलांग बच्चा था, उसकी पेड़ पर चढ़ने की इच्छा तो बहुत अधिक थी, लेकिन वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। तो पेड़ पर चढ़ने की बात तो वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। तोतो चान ने उसकी पेड़ पर चढ़ने की इच्छा को पूरा किया और वह पेड़ पर चढ़ करके बहुत ही खुश हुआ, और उसे यह जो खुशी थी, पेड़ पर चढ़ना जो था, उसके लिए यह अपूर्व अनुभव था, क्योंकि उसने कभी भी सोचा भी नहीं था कि वह भी कभी पेड़ पर चढ़ पाएगा। तोतो चान की वजह से ही यासुके चान पेड़ पर चढ़ पाया और पेड़ पर से चारों ओर के वातावरण को देख पाया, और उसको और बच्चों की तरह जो खुशी मिली वही उसके लिए अपूर्व अनुभव था। थर्ड क्वेश्चन, पाठ में खोज कर देखिए कि कब सूरज का ताप यासुके चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा था। तो आपके अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? कब सूरज का ताप यासुके चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, किस कारण? एक सीढ़ी लेकर आए थे, तिपाही सीढ़ी लेकर आए और पेड़ की द्वि शाखा तक वो सीढ़ी के सहारे से पहुंचे, और फिर उस तिपाही सीढ़ी से तोतो चान जो थी वो उसको, यासुके चान को पेड़ की शाखा पर खींच रही थी, तो दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। तो सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, कुछ तो सूरज की रोशनी से, गर्मी से पसीने आ रहे थे और कुछ मेहनत से, परिश्रम कर रहे थे, उससे पसीना आ रहा था, और तोतो चान ने अपनी पूरी शक्ति से उसको अपनी ओर खींचा था। तो इस प्रकार से देखकर एक बादल का टुकड़ा धूप से उनको छाया देख करके उनको बचाने में लगा हुआ था। तो इसका क्या कारण है? यह इसका जो था, हमारे अनुसार यह इसका अर्थ निकला कि जो दो मित्र आपस में सहयोग कर रहे थे, तो हमें भी क्या करना चाहिए? भले के कार्य में सहयोग देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यासुके चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिख कर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। यासुके चान को लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। यासुके चान को लेकर पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। किसके लिए? यासुके चान के लिए भी और तोतो चान के लिए भी। तो लेखिका ने यह इसलिए कहा होगा क्योंकि यासुके चांद तो पोलियोग्रस्त था, वह चल फिर नहीं सकता था, पेड़ पर तो चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था, पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। तो किसी प्रकार से तोतो चांद और यासुके चांद दोनों घर वालों से झूठ बोल करके वहां पर आए थे, और तोतो चांद ने घर में झूठ बोलकर उसको पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास किया था, और पेड़ पर चढ़ाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। तो इस प्रकार से घर वालों से झूठ बोलकर और इतना जोखिम भरा कार्य वह बार बार नहीं कर सकती थी, इस करके उसके लिए यह
अंतिम मौका था यासुकी चान के लिए भी और तोतो चान के लिए, यह जोखिम भरा कार्य करना और अपनी इसके पेड़ पर चढ़ने की इच्छा को पूरा करना, यह अंतिम मौका था। इसके बाद तोतो चान भी उसके लिए इतना जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकती थी। तो पाठ हो गया कंप्लीट। मैंने आरंभ में ही आपको बोला था कि वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर में से मैं कुछ भी आपसे सुनूंगी, तो आप अब मुझे सुनाइए। जिससे जो मैं नाम बोलूंगी, जो क्वेश्चन सुना जाएगा वो बच्चा उसी का आंसर देगा। तो आप रेडी रहिए सुनाने के लिए। भूमि का सचदेवा बेटा अपना माइक अनम्यूट कीजिए। भूमिका भूमिका अपना माइक अनम्यूट कीजिए।